आपके पार्टनर ने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, आपके पार्टनर ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, जिस पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया उसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो अगर आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्या होने वाला है, और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में और क्या कुछ होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। हम किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, तो फ्रॉड से आपको ज़रूर बचना है। चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, हमारी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आती है। सो फ्रॉड से बचने के लिए ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेंशन नंबर पे ही कॉल मैसेजेस कीजिएगा। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो पहले हम कुछ आपकी एनर्जीज लेते हैं, क्या कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, फिर हम देखेंगे पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो चलिए, जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए, सो पहले कुछ आपकी एनर्जीज निकाल लेते हैं, क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, करेज, इनर वॉइस, चेंज, एग्जिस्टेंस, टोटैलिटी, शेयरिंग, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए करेज का कार्ड क्यों आया है। ओके, वी आर द वर्ल्ड, वाओ। इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है, न्यू विजन। चेंज का कार्ड क्यों आया है, ओके, गाइडेंस के लिए आया है। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है, पोस्टपोनमेंट। टोटैलिटी क्यों आया है, प्रोजेक्शन। शेयरिंग क्यों आया है, पार्टिसिपेशन, ओके। सो देखिए, यहाँ पर काफ़ी आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने ना बहुत ज़्यादा रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की है, आपने बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ रिश्तों को निभाने की कोशिश की है। हर तरीके से आपने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखा है, बहुत सिंपल हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोबाजी, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, घुमा फिरा के बातें करना, या फिर किसी भी तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट करना खुद को कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, ये वो सब चीज़ें आपको नहीं आती, दिखावटीपन आपको नहीं आता है। आपने रिश्तों को हमेशा संभालने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, रिश्तेदार, या फिर फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या आपके पार्टनर हो, किड्स हो। सो आप ना बहुत रिश्तों को निभाने वालों में से हो, आप चीज़ों को ना ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ते हो, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हो। सो ये चीज़ आपने इनके साथ भी दिखाई है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया है इस पर्सन के ऊपर, और आपको ऐसा लगा है ज़रूर कि ये भी आपके जैसे ही है, और जिस तरीके के आप हो, जैसे आपको झूठे रिश्ते पसंद नहीं हैं, आपको बातें बनानी नहीं आती हैं, आपको आप सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है। और वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी ढूंढने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की।
जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो वजूद है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने मिटाने की कोशिश की है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत चीज़ें आपके रिश्तों में, आपके ज़िंदगी में बर्बाद करने की कोशिश की है या ख़राब करने की कोशिश की है। सो वो चीज़ आपने कई बार पोस्टपोन करने की कोशिश की है कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो। गलतियाँ माफ़ भी की हैं आपने, ठीक है, कई गलतियाँ आपने माफ़ की हैं, बहुत डार्कनेस आपने अपनी लाइफ में झेला है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा गैप दे देना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। सो आप में से कई लोगों ने गैप भी ले लिया है ना, पहले वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब आपने से कई लोगों ने आपने ही फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। पहले हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, अभी आपने भी बात करनी बंद कर दी है। पर और इसके लिए इसलिए क्योंकि आप अब खुद अपने सेल्फ लव पर आ गए हो, अब आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इस इंसान के लिए सब कुछ भूल गए हो, आपने इस इंसान के लिए सब कुछ किया हो और खुद को ही भूल गए हो। सो वो चीज़ें अब आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। सो जो लाइफ में आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आया है इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, जो आपके पार्टनर में चेंज आया है इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ अटकी हुई, फंसी हुई दिखाई दे रही है। और चेंज ये भी बता रहा है कि देखो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई अच्छा समय शुरू होने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ से बुरा समय ख़त्म होने वाला है। यही गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है कि आपको अपनी लाइफ पर आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी के लिए भी ना तो रुकने की ज़रूरत है, ना थमने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ खुद की है, ठीक है। अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेले ही इस दुनिया से जाना है, ठीक है। तो गाइडेंस ये बोल रहा है कि अगर चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको खुद को बदल लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो तो आपको कहीं ना कहीं दुनिया की चालाकी भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा भरोसा करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना है किसी के ऊपर, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट ज़्यादातर धोखे ही दे करके जाता है ना। सो खुद को बदलिए, जैसे आपके आसपास के लोग हैं, जैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, उस तरीके से आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सो आपको आपको न्यू विज़न लेकर के आना पड़ेगा आपकी लाइफ में। आपकी इनर वॉइस यही कह रही है कि अभी चीज़ें अपने आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अब ऊपर वाला ही देखेगा कि इस रिश्ते का क्या होने वाला है। क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है वो एक न्यू विज़न की तरफ जा रही है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आपको एक नए विज़न दिखा रही है, नए रास्ते दिखा रही है आपको, जीवन जीने के, रिश्ते जीने के, या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के। क्योंकि आप स्टक हो गए हो, रुक गए हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थम सी गई है। जो चीज़ें इतने प्लान करके, इतने अच्छे से रिश्ते आप निभा रहे थे, वो सारी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई हैं। सो टारगेट किया है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको, आपके दिल को, राइट। सो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बातें कि आप अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए अलग अलग इवेंट्स में। अगर फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल में आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने लिए चेंज करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, ठीक है। सो अपने दुख तकलीफ़ शेयर ज़रूर कीजिए किसी के साथ, क्योंकि जिससे जो आप घुटन आपको अंदर से हो रही है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। वी आर द वर्ल्ड और करेज का कार्ड आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस दुनिया में, इस संसार में आपके लिए खुशियां इंतज़ार कर रही हैं। लोग आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप बहुत हिम्मत आपके अंदर आ चुकी है, बहुत करेज आपके अंदर आ चुका है। ये जो भी परेशानी आपने झेली है ना, उसने आपको बहुत बहुत कुछ सिखा दिया है, लाइफ ने बहुत कुछ आपको दे दिया है। और जो हिम्मत आपके अंदर अब आ गई है, या जो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है, वो हो सकता है पहले नहीं थी, ठीक है। सो आपको यही कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। किसी एक इंसान की वजह से आपको अपनी लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है, अब हम ये देख लेते हैं क्या चल रहा है इन दोनों की लाइफ में। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, रोते हुए, अकेले दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स देखो, ठीक है। सो यहाँ पर दूरियाँ आती जा रही हैं इन दोनों में, तकलीफ़ें आती जा रही हैं इन दोनों में। एम्प्रेस का कार्ड आया है, नेक्स्ट राशियाँ सारी आ चुकी हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर, द मून, पाइसीज, मीन राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। ओके एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर, ये देखो जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये अपनी ब्यूटी और जिस तरीके से आप इसने अपने पार्ट आपके पार्टनर को जिस तरीके से इसने अट्रैक्ट किया था ना, वो सारी इसके खुद के पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। वो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है। सो अगर ये आपके पार्टनर के साथ काम करती है तो कहीं ना कहीं पैसा और करियर इसकी ज़िंदगी का मकसद है, इसलिए इसने आपके पार्टनर को फंसाया है। या फिर इसकी लाइफ में अगर ये काम नहीं भी करती है आपके पार्टनर के साथ, तो इसको पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जिसके लिए ये आपके पार्टनर का यूज़ कर रही है, ठीक है। सो ये चाहती है कि आपके पार्टनर को एक सीढ़ी बनाए, आपके पार्टनर के थ्रू ये अपनी लाइफ को स्टेबल करे, आपके पार्टनर के थ्रू ये अपनी लाइफ को खुशहाल बना सके, फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पैसे ये आपके पार्टनर से लेती है, ये आपके पार्टनर इसको देते रहते हैं, इसको सपोर्ट किया हुआ है, इसको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, है ना। और मैं ये देखो, आप कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो गए हो, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया है, या आपकी तरफ इतना ध्यान ही नहीं देते हैं जितना ये थर्ड पार्टी ने, क्योंकि इसने इस कदर दीवाना बना रखा है ना अपने पीछे कि बस ये यही दिखाई दे रही है अभी, और कुछ भी नहीं आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। पागलों की तरह, दीवानों की तरह इसके पीछे चले जाते हैं। और यहाँ ये देखिए, ज़रूर आगे कुछ देखिए, इसकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले ज़रूर पागल हों इसके पीछे, दीवानों की तरह पड़े रहते हैं उसके पीछे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके पार्टनर का हाल यहाँ पर बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अकेलापन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में आ रहा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में आ रही है, और जो थर्ड पार्टी है वो उसके आने के बाद इनकी लाइफ में ना डाउनफॉल आता जा रहा है, फाइनेंशियली डाउनफॉल आता चला जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि लॉसेस बहुत आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, और इन लॉसेस की वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं। सो इमोशंस कहीं ना कहीं अब डाउन हो रहे हैं, और चीज़ें पैसों पर, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी, लाइफ को स्टेबल करना, ये सारे जो सेल्फिश रीजंस हैं ना थर्ड पार्टी के, वो आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और आपके पार्टनर धीरे धीरे थर्ड पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं, राइट। सो अब इनको ये चीज़ का एहसास, इस चीज़ का समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स पैदा हुए हैं, जो भी कुछ इनके दिमाग में डाला गया है, वो इस थर्ड पार्टी ने डाला है। सो आपसे दूर करने वाली ये थर्ड पार्टी है, इनको बर्बाद करने वाली ये थर्ड पार्टी है, जो कि अब इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन और एक डर इनके दिमाग में आता जा रहा है कि जो गलत इन्होंने आपके साथ किया, वही गलत कहीं इनके साथ ना हो जाए, ठीक है। सो बहुत बुरे कार्मिक्स, बहुत तरीके से कार्मिक्स इनकी तरफ आ रहे हैं, और ये कार्मिक्स का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होने लगा है कि जो अब इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, या जो भी कुछ अब इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ गलत किया है, तो उसका कर्मा इनको मिल रहा है, इसलिए ये इन सब चीज़ों में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, और बहुत गहराइयों तक चले गए हैं, और इन तकलीफ़ों से बाहर आ पाना बहुत ज़्यादा भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे, खुद भी यहाँ से हटेंगे, और थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से दूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूरियाँ आती जा रही हैं दोनों के बीच में, ठीक है। सो ये थे आज के कार्ड। सो कर्मा ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा, अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कार्मिक्स जब आते हैं, जब ये ऊपर वाले की लाठी जब सिर पे पड़ती है, तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। ओके सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं।
और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का दिल से। लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।